कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। यूपी में अपराधी एनकाउंटर के डर से भाग रहे हैं और बिहार में अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। सरकार का संरक्षण प्राप्त होना दर्शाता है। कैमूर जिले के दुर्गावती पुलिस द्वारा शराब मामले में गिरफ्तार मुख्तार अंसारी का शूटर अंगद राय को 13 मार्च की रात आदर्श नुआम बाजार से शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि अंगद राय की तलाश यूपी के गाजीपुर की पुलिस बेसब्री से कर रही थी। अंगद राय पर उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन हत्या, लूट, डकैत और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधी ये जानते हैं कि योगी सरकार में हमारी गुंजाइश नहीं है, बिहार को अपना सुरक्षित भूमि मानते हैं। उन्हें ये भी पता है कि अगर हम बिहार आ जाएंगे तो बिहार में महागठबंधन वाली सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, इसलिए पनाह लेने के लिए यहां आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि देश के कई स्थानों से पीएफ आई तो कभी बड़े अपराधी यहां आकर संरक्षण लेते हैं। उनको पता है कि यहां के सरकार को कानून से मतलब नहीं है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमूर से देवव्रत की रिपोर्ट। योगी सरकार में हमारी गुंजाइश नहीं है, हमारी गुंडागर्दी अपराध वहां काम नहीं करेगा और बिहार को अपनी सुरक्षित भूमि मानती है, इसलिए कि सरकार यहाँ अपराधियों को संरक्षण देती है। इसलिए वहाँ से इधर आके देखिए ना, पीएफआई से लेके बाकी कितने विभिन्न स्थानों के लोग आकर पनाह लेने के लिए बिहार आ जाते हैं, इसलिए बिहार की सरकार वैसे लोगों को संरक्षण देती है। क्या बोला सर?